Clash of Clan. तो कैसे हालचाल है मेरे प्यारे भाई लोग और मेरे प्यारे बहन लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एविल गेमिंग पर। तो आज हम सिसली टाउनल 12 के पर एक मस्त पावरफुल ईडी बो बैट अटैक करने वाले हैं। सो गाइस, इस अटैक करने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है। पहले आप लोगों को ठीक से फनल क्रिएट कर लेना होगा, फिर आप लोगों को जो आर्मी है वो सारे के सारे आर्मी को अंदर घुसा देना होगा, और जब एनिमी के सीसी बाहर आएंगे फिर आप लोगों को उसके ऊपर एक पॉइजन स्पेल दे देना होगा। फिर आप लोगों को बैटिंग स्टार्ट करना होगा और ठीक से विजार्ड टावर के ऊपर थ्री स्पेल दे देना होगा। ऐसा करोगे तो हर टाउन हॉल 12 बेस के ऊपर इजीली थ्री स्टार निकल जाएंगे। तो गाइस, शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा मजेदार थ्री स्टार अटैक आप लोगों को पहले पाने के लिए। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, पहले हमने राइट कोने से एक इलेक्ट्रोड्रैगन और लेफ्ट कोने से और एक इलेक्ट्रोड्रैगन को छोड़ दिया, क्योंकि ठीक से फाइनल क्रिएट हो जाए। सो गाइस, देख रहे हो इलेक्ट्रोगन ने बहुत अच्छे तरीके से फनल क्रिएट कर लिया, इसलिए हमने दो आइस गलम, तीन चार बोलर और सारे के सारे विच को एक साथ छोड़ दिया। फिर हमने लॉग मशीन को छोड़ दिया, क्योंकि उसके मदद से ठीक से रास्ते क्रिएट हो जाए। सो गाइस, देख रहे हो लॉग मशीन जो हमारा है बहुत अच्छे तरीके से रास्ते क्रिएट कर लिया, इसलिए हमने किंग, क्वीन, सारे के सारे बोलर, आइस गोलम और उसके पीछे बैकअप के लिए वार्डन को भी छोड़ दिया। लॉग मशीन जो हमारा है वो फूटने वाला है, इसलिए हमने वार्डन का अर्ली एबिलिटी यूज कर दिया। सो गाइस, लॉग मशीन जो हमारा है वो फूट गया, इसलिए हमने उसके ऊपर एक रेज स्पेल दे दिया, क्योंकि उसके अंदर जो याती है वो जल्दी से जल्दी काम कर सके। फिर हमने एनिमी के सीसी के ऊपर एक पॉइजन स्पेल दे दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था। फिर हमने टाउनल के ऊपर एक फ्री स्पेल दे दिया, क्योंकि याती और बोलर जल्दी से जल्दी टाउनल को डिस्ट्रॉय कर सके। सो गाइस, नीचे की तरफ किंग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके जा रहा है, और क्वीन बहुत अच्छे तरीके से मल्टी इन्फेनो को डिस्ट्रॉय कर दिया। सो गाइस, इस बेस के अंदर ज्यादातर डिफेंस बचा नहीं है, इसलिए हमने राइट साइड में बैटिंग स्टार्ट कर दिया। फिर हमने विजेट टावर के ऊपर एक फ्री स्पेल दे दिया, क्योंकि वो सारे के सारे बैट को मार देंगे। फिर हमने विजेट टावर के ऊपर और एक फ्री स्पेल दे दिया, क्योंकि वो बैट को टारगेट करेंगे। फिर हमने राइट वाला विजेट टावर के ऊपर भी एक फ्री स्पेल दे दिया, क्योंकि वो बैट को टारगेट कर लिया। सो गाइस, देख रहे हो इस बेस के अंदर इजीली थ्री स्टार निकल गया। अगर आप लोगों को भी टाउन हॉल 12 के अंदर ईडी बो बैट अटैक करना अच्छा लगता है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो ये अटैक किसी भी ओआर और सीडब्ल्यूएल के लिए। सो गाइस, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा मजेदार थ्री स्टार अटैक आप लोगों को पहले देखने के लिए। तो अभी के लिए बाय बाय।